हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। पटना उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 183 लीटर शराब के साथ 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। लहरिया सराय थाना पुलिस ने 4 डीजे को किया जब्त, डीजे संचालकों पर होगी FIR दर्ज। और पूर्वी चंपारण के ढाका में अपराधियों ने पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, हथियार के बल पर पेट्रोल पंप से लूट की वारदात। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। पटना में होली को लेकर पटना उत्पाद विभाग की टीम काफी मुस्तैद नजर आ रही है और शराब कारोबारियों के धरपकड़ में लग गई है। इसी कड़ी में पटना उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल अजीत पटेल ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक कार, एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल से ले जा रहे 4 शराब कारोबारियों को धर दबोचा है, जिनके पास से 183 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। वहीं बिहार न्यूज से बात करते हुए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी टीम लगातार होली को लेकर छापेमारी कर रही है। गांधी सेतु पुल विस्कुमान गोलंबर के पास से एक कार, जेटरी पेट्रोल पंप के पास एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल, कुल मिलाकर 4 लोग अरेस्ट किए गए। एक कार, एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल में शराब के साथ जब्त किया गया। कुल शराब की बरामदगी हुई है 182.640 लीटर। राजधानी पटना के अशोक राजपथ को दरोगा अभ्यर्थियों ने फिर से एक बार जाम कर दिया। आपको बता दें कि दरोगा अभ्यर्थी एग्जाम में हो रही गड़बड़ी को लेकर CBI जांच की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। वहीं कुछ दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सड़क जाम कर झाड़ू लगाते नजर आए। तेज आवाज से लोगों की नींद उड़ाने वाले डीजे के खिलाफ लहेरिया सराय थाने के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 डीजे को जब्त कर लिया है, जिसके संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि डीजे संचालकों की ओर से नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आए दिन लोग पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। ऐसा देखा जा रहा है कि रात के समय दरभंगा में शहरी क्षेत्र में कुछ लोग डीजे का अनधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे हैं, जिस पर पूर्णतः हम लोग ने सख्त कार्रवाई पहले भी की है और अभी भी कर रहे हैं। तो हम लोग को जैसी कोई सूचना मिलती है कि कोई अनधिकृत रूप से डीजे का प्रयोग कर रहा है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो उसी क्रम में कल लहरिया सराय थाने में टोटल 4 डीजेओं पर कार्रवाई की है, उन्हें जब्त किया है। और ढाका थाना के चंदनबारा गांव के पेट्रोल पंप को अपराधियों ने निशाना बनाया है। बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। अपराधी ग्राहक के रूप में पंप पर पहुंचे और पंप कर्मियों को बंधक बनाकर पंप के बिक्री के करीब 1,00,000 रुपए लूट कर भाग निकले। वही पंप कर्मियों की सूचना पर ढाका थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आया तो क्या तेल डलवा लिया 300 के। अच्छा, इसके बाद पिस्टल निकाल के बस उनको भींच के ले गया ऑफिस में। अच्छा, घर साले ज्यादा बोल लिए तो मार देंगे। मारपीट भी किया? मारा नहीं। उसके बाद पैसा लूट गया। कितना लगभग पैसा था? काल का सेल था, सूट गया, मेरा ही रहे थे, गला था। नकाब में था कि ऐसे था? अथी पहने हुए था, नाक में अथी लगाया हुआ था। बिहार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नई सराय मोहल्ले में छापेमारी कर एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वही थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया है। उनका केस है, उसी केस में अनुसंधान चल रहा था, उसी दरमियान पता चला कि ये 2 लड़के हैं, एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम राजू कुमार है। और यही अंधेर चौक के आसपास ही पकड़े थे। और राजू कुमार बोला कि मैंने हथियार भी रखा है, उसमें गोली भी है, जो फलनाथ के पास है, उसी के ब्याह पर हम लोग विकास के घर गए तो घर के बगल में अंदर में घर के अंदर में वो एक हथियार रखा हुआ था, 2 गोली मिली। अररिया में 2017 में आई बाढ़ ने पूरे जिले में तबाही मचा दिया था। वहीं उस दौरान अररिया के बैरगाछी में भी भंगिया पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और NH-327E अररिया सिल्लीगुड़ी मार्ग पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों की जमीन को भाड़े पर लेकर पुल के पास डायवर्जन का निर्माण कराया और रास्ते को तत्काल चालू किया। लेकिन अब 3 साल होने के बाद भी किसानों को पहले से तय किराया ही दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का एक शिष्टमंडल अररिया DM से मिला। वही DM ने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। भूमि लिया गया था डायवर्सन, बंगिया डायवर्सन के लिए, उसमें पहले जो रेट 37,500 का दिया गया था 2 साल पहले,
अब फिर उसी रेट में हम लोगों को विभाग पैसा दे रही है। इसी विषय में हम लोग जिला पदाधिकारी जी से मिलने आए थे, साहब ने कहा कि हम लोग बढ़ा करके देंगे। पति के अवैध संबंध का जब पत्नी ने विरोध किया तो पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पति की पिटाई से घायल गुड़िया देवी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। ये पूरा मामला रोहतास जिले के चिनारी थाना के मलहीपुर का है, जहां आरोप है कि रंजन का अपनी मामी के साथ अवैध संबंध है, जिसका गुड़िया विरोध करती थी। इसी को लेकर गुड़िया के पिता और भाई रंजन शाह को समझाने गए थे, इसी दौरान मारपीट हो गई और पति ने अपनी पत्नी गुड़िया देवी की पिटाई कर दी। वहीं रंजन ने अपने साले और ससुर से भी मारपीट की है। बहुत मारपीट किए हैं और कल अपने मामी से फंसे हुए हैं, वही सब मतलब भरा बोला करते हुए हम पकड़ते थे तो मतलब देखते थे तो उनसे बोलते थे हर मेसी के सब काम क्यों करते हैं, हमसे आपको मन नहीं भरता है, हमसे आपको दिल नहीं भरता है तो हमको क्यों नहीं छोड़ देते हैं आप। तभी भी न छोड़ते थे न कुछ करते थे। गया पुलिस ने शहरी क्षेत्र और वीआईपी एरिया में टेम्पो पर अश्लील गाना बजाने पर सख्त निर्देश जारी कर दिया है। गया पुलिस ने इसके लिए पुलिस ने आर्थिक दंड का प्रावधान किया है। इसके साथ ही कम उम्र के ऑटो चालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से अगर बजाता है तो उस पर त्वरित उस पर कार्रवाई करेंगे, जुर्माना किया जाएगा और साथ ही पेपर में भी इसका कंट्रोल रूम का और संबंधित थाना सभी का नंबर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को भी इस प्रकार की परेशानी होती है या अगर उनको आलोक में आता है कि इस प्रकार कोई ऑटो ड्राइवर अश्लील भड़काऊ गाने बजा रहा है, उस गाड़ी का नंबर नोट करें और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना करें। बहुत सा कम एज के भी ऑटो ड्राइवर हैं जो उस पर हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो अंडर एज माइनर लड़के जो चला रहे हैं उनको ही कार्रवाई किया जाएगा। और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा बिहार शरीफ के टाउन हॉल में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ ही जल संचय जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। आज राज्य का पहला जल जीवन हरियाली दिवस है। इस दिवस पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोगों ने यहाँ पर पहले जल जीवन हरियाली अभियान के अभियानों के बारे में चर्चा की है, उसके बाद में जो बिजली की खपत है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बिल्डिंग कोड, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स और बाकी सारी चीज़ों की चर्चा की गई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जैसे हमारे यहाँ पर सभी सरकारी कर्मी मौजूद हैं, सभी शाखाओं के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, तो हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम लोग जो है अपनी जो दैनिक खपत की विद्युत है वो चाहे हमारे आवास हों, कार्यालय हों, सभी में उस पर हम लोग लगाम लगाएंगे। और बख्तियारपुर प्रखंड के तेजा बिघा गांव स्थित मंदिर में मां पार्वती के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तेजा बिघा गांव से घोसबरी गंगा घाट तक हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। आपको बता दें कि परम पूज्य बम्बम जी महाराज के द्वारा श्री मद भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यज्ञ स्थल से घोसबरी गंगा घाट तक लंबी कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 महिलाओं के साथ साथ हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र हरि के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जब वो एक निजी नर्सिंग होम का निरीक्षण करने गए हुए थे, जिसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल और पीएससी के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिससे रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएससी के जितने भी चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, आज कार्य का बहिष्कार कर दिए चुके हैं। क्या वजह है सर? वजह है कि कल जो घटना हुई है, यहाँ जो एसडीएच हैं उनके साथ जो डीएस एसडीएच के जो डीएस हैं उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। हमको लगा कि ये लोग आया है कुछ होली उली के लिए बातचीत करने या कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम होगा। एक महिला आई भी हमारे बगल में, आके हमको रंग लगाने लगी, हम हे करते लगे भाई तुमसे तुम्हारा ऐसा है नहीं, लेकिन पता चला बाद में क्या रही सब, तो फोटोग्राफी भी करने लगा, वीडियोग्राफी भी करने लगा, तब तो हमको शक हुआ कि वो कुछ बात, तब तो लोग
कहा कि यहाँ जो घटना होती है उसमें आप लोग की सहभागिता होती है, आप लोग जो है सो ठीक से जांच नहीं करते हैं, आप ही लोग के कारण ये सब होता है। उसके बाद हम जाकर थाना में एफआईआर किए उन लोग के विरुद्ध। उधर मनेर के 8400 नदी घाट से बालू निकालने के दौरान एक मजदूर नाव से नदी में गिरकर डूब गया, जिसे नदी में डूबने से उस बालू मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में जुटी हुई है। मृतक की पहचान सादिकपुर निवासी दशरथ महतो के रूप में की गई है। और गए थे कमाने, बालू काटते थे नदी में से, उसी समय वो नाव पर से गिर गए 84 में और गिर डूब गए। डूबने के बाद लाश नहीं उनका पता चल रहा। हम लोग बहुत छानबीन किए, खोज किए नाव से, लेकिन मिला नहीं। क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे? काम 84 में बालू पर काम करते थे, बालू निकालते थे नाव। किस चीज़ पे से? नाव से? नाव से, नदी से नाव में। आज क्या करने गए थे? आज भी गए थे। क्या हुआ, घटना क्या हुआ? घटना हुआ वो नाव पर से गिरे तो उनका लाश के पते नहीं चला किधर गए किधर नहीं। क्या नाम था उनका? उनका नाम था दशरथ महतो। नागरिकता कानून के विरोध में बीते 47 दिनों से मुंगेर के अब्दुल हमीद चौक पर धरने में शामिल महिलाओं ने डीएम राजेश मीणा से मिलकर सुरक्षा देने की मांग की है। डीएम राजेश मीणा से किला परिसर स्थित उनके कार्यालय में मिलने पहुंची महिलाओं ने कहा कि विगत 2 दिन पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धरने में शामिल महिलाओं के साथ रात में बदतमीजी करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से वह काफी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। डीएम साहब से मिलने आए हैं, हम उनसे सिक्योरिटी की मांग करने आए हैं। हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस धरना प्रदर्शन में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे निकल पड़े हैं, जो धार्मिक नारे या फिर कुछ ऐसा अपशब्द बोल के चले जाते हैं, तो उन्हीं से जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो हम इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी की मांग करने आए हैं। किसान मजदूर जागृति मंच के तत्वाधान में मझियामा में पंडित यदुनंदन शर्मा की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रोफेसर कन्हैया शर्मा ने किया। वहीं संगठन के अध्यक्ष रोशन शर्मा ने 9 युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पंडित यदुनंदन शर्मा के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है, तभी जो किसान की बदहाली है वह दूर हो सकेगी। अररिया आरएस स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की मांग को लेकर सीमांचल ठहराव संघर्ष समिति के बैनर तले 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि रेलवे प्रशासन के द्वारा अररिया आरएस स्टेशन की अनदेखी की जा रही है। हमारी मांगे है सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन 12487 12488 का अररिया रेलवे स्टेशन पे ठहरा हो, ये हमारी जायज मांग है। और किसी भी शहर के लिए रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया अथी होता है, योगदान होता है विकास करने के लिए, योगदान होता है। और हमारी जो है ना अररिया रेलवे स्टेशन का प्रशासन द्वारा हमेशा से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, और हम ये हमारी मांग 13-12 सालों से चल रही है। अररिया रेलवे स्टेशन जो है 131 साल लगभग पुराना स्टेशन है। कटिहार टू जोगवनी का मुख्य स्टेशन में अररिया स्टेशन है, और अररिया स्टेशन पर सीमांचल ट्रेन का ठहराव नहीं है, जिससे कि हम लोग बहुत आहत हैं और यहाँ के विकास में बहुत बड़ा बाधक बन रहा है। हमारी मांगें मुख्य रूप से सीमांचल ट्रेन ठहराव की है, जो कि अररिया रेलवे स्टेशन 131 वर्ष पुराना है, और लगभग सारे कटिहार से जोगवनी के बीच में जो भी स्टेशन की सुविधा होना चाहिए वो सारी सुविधा से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ पे सीमांचल ट्रेन का ठहराव नहीं है। उधर रोहतास के जिहरी में 2 दिन पूर्व सोन नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से 1 बच्चे का शव दरिहट के हुरका से बरामद किया गया है। बता दें कि नहाने के दौरान 2 चचेरे भाई सोन नदी में डूब गए थे, जिसमें से 1 का शव पहले ही बरामद कर लिया गया था, वहीं दूसरे का शव हुरका से बरामद किया गया है। जनार्दन तिवारी हुआ, सोनचर दिन से हमारे पोता एक आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला था, एगो देवी जी स्कूल में पढ़ता था, शनिचर 12 बजे से जो निकलता हुआ, तो उसको बाद में 2 दिन के बाद रेलवे पाया तब लाश मिला, एगो हमको लाश बरामद आज हुआ। 2 दिन पहले
डेहरी में डूब गया था दो गो बच्चा शनिवार को उसी का आज सूचना मिला कि नहीं नदी में किनारे लगा हुआ है। भैया के देखे तो एकरा की मारी सात साल आठ साल की लड़का है। इसकी सूचना हम डेहरी थाना को दिए, वही डेहरी थाना से गार्जियन को सूचना दिया था गार्जियन। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली की पहली वर्षगांठ के मौके पर समाहरणालय सभागार में एक बैठक किया गया। बैठक में जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी ने पर्यावरण प्रदूषण से बचाव को लेकर सजग रहने की भी चेतावनी दी है। ऑफिस में जब जरूरत हो उतना घर ऑफिस से बाहर निकलिए, कमरा से बाहर बत्ती बुता दीजिए, ये आप लोग शुरू करिएगा तो बिजली बिल हमारा कम जाएगा। उससे बिजली भी कम होगा तो बिजली का खपत कम होगा, बिजली का खपत कम होगा तो बिजली जिस कारण से प्रोड्यूस होती है, जो यूज होता है उसकी बचत होगी। सिकंदरा थाना परिसर में रंगों के त्योहार होली के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली के मौके पर हुड़दंग करने वाले लोगों पर प्रशासन ने विशेष नजर रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष राजवर्धन कुमार ने कहा कि रंगों का त्योहार काफी उल्लास और उमंग से मनाया जाता है। इसी उल्लास के बीच असामाजिक तत्व भी समाज का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिस पर विशेष नजर रखी जाएगी। जांच में जो है अभी सब व्यवस्थित तो दिखाई पड़ रहा है, और भी हम यहाँ पर आए कि यहाँ पर कुछ हम सुधार करें जी। और अभी ट्रेनिंग चल रही थी, उसका भी हमने इंस्पेक्शन किया, फैमिली प्लानिंग पर ट्रेनिंग चल रहा है, और भी हम लोग यहाँ देखे हैं एनसीडी के माध्यम से भी सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर अभी तो ठीक ही चल रहा है, और भी सुधार हम लोग करेंगे। साफ सफाई को लेकर के क्या था? साफ़ सुथरा तो ठीक ही हो रहा है, मोटा मोटी ठीक है। हम लोग यहाँ ऐप पर अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।